नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये देखिए, एक पार्सल आया है मेरा। इसमें है फुटबॉल लिली, और फुटबॉल लिली मेरा पुराना प्लांट था, लेकिन वो मेरे पुराने घर में रह गया, तो यहाँ पे मुझे फिर बल्ब लेने पड़े। और देखिए, बहुत ही हेल्दी बल्ब दिए हैं, और सेलर का नंबर देखिए मैं स्क्रीन में दे दिया हूँ, वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये 35 या 40 रुपीस लिए मेरे से, तो 3 बल्ब मैं मंगाया हूँ, और पोस्टेज एक्स्ट्रा है, पोस्टेज आपका एरिया के हिसाब से लगेगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसको लगाना कैसे है। ये ऊपर साइड है, और ये देखिए ये नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए आपको। और साफ करके दिए हैं बल्ब को, और साइज तो काफ़ी अच्छा है, फ्लावरिंग आ जाएगा इस सीजन में ही। पहले इसे क्या करेंगे, हम फंजीसाइड में थोड़ा डाल देंगे, क्योंकि बल्ब में फंगस का खतरा रहता है। बस थोड़ा सा फंजीसाइड लेके आप इसे डिप कर दीजिए, ज़्यादा नहीं। जो भी फंगस रहेगा या फिर नया नया लगाने पर रोट का चांस रहता है, तो वो नहीं रहेगा आपका। और इसे देखिए ऐसे ऊपर की तरफ, उसका सूट जो आ रहा है उसे ऊपर की तरफ रखिए, और सैंडी सॉइल में लगा दीजिए। ये मेरा पुराना प्लांट लगा हुआ था यहाँ पे, तो उसको ऑफ रूटेड करके मैं इसको लगा रहा हूँ। तो ऐसे देखिए 3 होल कर दिया हूँ, और तीनों बल्ब को मैं लगा दूँगा। सैंडी सॉइल है, और सैंडी सॉइल में ही ये लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ से इसका ग्रोथ आएगा। और ये जो फंजीसाइड का पानी था वहाँ पे दे दूँगा मैं, और इसको बस कवर कर देना है। मिट्टी में मेरा ऑलरेडी थोड़ा गोबर का खाद मिला हुआ है, और आप चाहें तो थोड़ा गोबर का खाद ऐड कर सकते हैं, और भुरभुरी मिट्टी ही बहुत बढ़िया रहता है। वैसे ये किसी भी सॉइल में हो जाता है, लेकिन सैंडी सॉइल में प्रीफर करता हूँ सब प्लांट के लिए, क्योंकि रॉट नहीं होते हैं प्लांट। और ये देखिए दोस्तों, 1 महीने के बाद का रिजल्ट है। 1 महीने के बाद यहाँ पे देखिए, ये एक में फ्लावरिंग हो गया है, और पत्ता बिल्कुल एक भी नहीं है। और दूसरे प्लांट में देखिए पत्ता आया है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हुआ है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आगे पीछे होता रहता है ये। और जैसे ही मानसून का सीजन आ जाता है, इसमें फ्लावरिंग आता है। तो बल्ब अगर आप परचेस कर रहे हैं, तो इस साल अगर लगाएंगे तो नेक्स्ट साल आएगा, या फिर अगस्त में भी आ सकता है। और देखिए स्टार जैसा बहुत छोटे छोटे फूल निकल के एक बड़ा फूल बनाए हैं, और फुटबॉल जैसा ही दिखते हैं, इसीलिए फुटबॉल लिली बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, इसमें फर्टिलाइज़र क्या देना चाहिए? फर्टिलाइज़र इसमें देना चाहिए 0:52:34 NPK जो आता है, वो इसके लिए बेस्ट होता है। नाइट्रोजन तो लीफ ग्रोथ के लिए काम करता है, और फॉस्फोरस और पोटास ब्लूम लाने के लिए काम करते हैं। तो ब्लूम अगर आपको जल चाहिए, तो 0:52:34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप NPK 19:19:19 भी दे सकते हैं, वो तो ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र होता है। और देखिए ये डे 4 है, डे 4 में पूरा खिल गया है ये, और बढ़िया दिख रहा है। और आइए दूसरे ओर चलते हैं। ये देखिए, ये है मेरा रेन लिली वाइट में, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग किया है। और ये भी साल में बस एक ही बार फ्लावरिंग करता है मानसून में। इसका बल्ब बहुत सस्ते आते हैं, इसका करीब आपका 15-20 रुपया में बल्ब मिल जाएगा ये। लेकिन मेरे पास पिछले 10 साल से है, और सेम गमले में ही हो रहा है, बस फर्टिलाइज़र में थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ इसके ब्लूम सीजन में। और देखिए पुराना गमला है, और मैं कुछ चेंज भी नहीं करता हूँ, या फिर एक्स्ट्रा सॉइल या फिर कुछ नहीं। और नया नया देखिए बर्ड्स आ रहा है, तो ये 15 दिन तक आगे पीछे होकर फ्लावरिंग करता रहेगा, और इसका फ्लावर भी 3-4 दिन लास्टिंग करता है। तो बहुत बढ़िया वेराइटी है। पिंक थोड़ा छोटा आता है, लेकिन वाइट थोड़ा बड़ा आता है। इसका पिंक और येलो भी है मेरे पास, लेकिन उसमें दिखाऊंगा मैं, आगे पीछे होकर फ्लावरिंग होता रहता है। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये 1 महीने का शूटिंग है, तो आगे पीछे होकर मैं दिखाऊंगा आपको सारे ब्लूम। ये नेक्स्ट डे का है, देखिए नेक्स्ट डे और थोड़ा खिला है, और वाइट कलर में बहुत बढ़िया फूल लाया है। और देखिए हनी बी और मधुमक्खी ये सब यहाँ पे घूमते रहते हैं, बहुत उनका फेवरेट फूल है ये।
लगातार ये बर्ड्स सब खिलेंगे आगे, तो इस सीज़न में अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो रेन लिली और फुटबॉल लिली ज़रूर होना चाहिए आपके घर में। जून और जुलाई में बहुत अच्छे खिलते हैं ये, और आपके एरिया में अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो और अच्छा करते हैं ये, और बारिश कम होता है तो थोड़ा कम खिलते हैं। आइए इसका येलो कलर की ओर चलते हैं। येलो भी खिला हुआ है आज, और येलो थोड़ा छोटा फ्लावर आता है, ये देखिए येलो है, और इसका सीड भी बनता है, सीड से हो जाता है सीड पॉट। ब्लैक ब्लैक कलर के सीड आते हैं बहुत छोटे छोटे, और सीड इधर उधर गिर के अपने आप ही बहुत सारा प्लांट बन जाते हैं। तो ये प्लांट बिगिनर्स के लिए है, बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है, और अपने सीजन में अपने आप ही खिलता रहता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।